हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? फिर से हाजिर हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता सर की क्लास में। आज हम बात कर रहे हैं टू कॉमन वर्ड्स, होम और हाउस के बीच के डिफरेंस की। होम और हाउस में क्या अंतर है? तो इससे पहले कि हम अपनी स्लाइड पर जाएं, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आगे दिए गए बेल आइकन को दबाकर हमारा हर नोटिफिकेशन टाइम पर प्राप्त करें। चलते हैं हमारे इस वीडियो की स्लाइड पर। पहला वर्ड है हाउस, HOUSE। इसका मतलब होता है घर। हाउस का मतलब स्पेसिफिकली क्या होता है कि हाउस का मतलब होता है ईंट या पत्थरों से बनी हुई इमारत। हाउस को आप किसी फिजिकल संपत्ति को दर्शाने के लिए यूज़ करते हो, यानी फिजिकल जो चीज़ बनी हुई है उसको दर्शाने के लिए यूज़ करते हो। जैसे किसी का मकान आपको किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाना है तो आप कहोगे दिस इज मुकेश हाउस, यह है मुकेश का घर है। अब मुकेश उसमें रहता है नहीं रहता है, मुकेश की फैमिली उसमें रहती है या नहीं रहती है, आप उस इमारत की बात कर रहे हैं। लेकिन अगला वर्ड जो हमारा है होम, होम का मतलब होता है घर। दोनों का मतलब घर है, लेकिन होम का मतलब है वह घर जिसमें एक परिवार रहता हो। जी हाँ, होम का मतलब किसी बनी हुई इमारत से नहीं है, होम का मतलब है एक परिवार से, एक फैमिली से जो उस इमारत में रह रही है खुशी खुशी। चलिए इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे, आप कभी भी देख लेना। माई स्वीट होम लिखा जाता है, माई स्वीट हाउस नहीं लिखा जाता है। माई स्वीट होम का मतलब है मेरा प्यारा सा घर जो अच्छे रिश्तों से बनता है, जो आपसी प्यार से बनता है। तो इसलिए कभी भी माई स्वीट होम होता है, माई स्वीट हाउस नहीं होता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हाउस और होम में मेजर डिफरेंस यही है कि हाउस पत्थर ईंट या जिस किसी मटेरियल से बनी हुई वह इमारत है उसको हाउस यानी घर कहा जाता है। होम उस इमारत के अंदर रहने वाले एक परिवार के साथ वह इमारत है उसे कहते हैं होम, यानी जिस इमारत में बसावट है, जिस इमारत में लोग बसे हुए हैं, एक परिवार बसा हुआ है। चलिए कैसा लगा आपको यह वीडियो? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नॉलेज, इंग्लिश नॉलेज और साइंस नॉलेज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।